देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि थाना खंडौली क्षेत्र में बहरामपुर गांव एक पड़ता है, वहां पर 24 तारीख को 24 अक्टूबर 2019 को एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी मिली थी। और जब पुलिस मौके पर 100 नंबर की सूचना पे पहुंची और उसका जब उसकी जब पहचान कराई गई और तफ्तीश की गई तो पता चला कि यह एक ट्रक ड्राइवर था। और ट्रक ड्राइवर जिस कंटेनर को चला के आ रहा था उसको कुछ अज्ञात बदमाशों ने उसके लूट कर ली थी और उसको जो है मार्केट की डेड बॉडी फेंक दी थी। और उसके बाद ट्रक को ले जाकर हाथरस जिले में शादाबाद के पास में सड़क के किनारे नंगला ब्राह्मण गांव के पास में छोड़ दिया था। जब इस ड्राइवर की पहचान हुई, इसके परिवार वालों को इन्फॉर्म किया गया और उसके परिवार वाले आए तो मुकदमा धारा 394, 302, 201 में लिखा गया और 400 क्राइम नंबर 408/19 थाना खंडौली पर पंजीकृत कर इसकी विवेचनात्मक कार्रवाई स्टार्ट की गई। इसमें जो है कल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 3 लोगों में से 2 लोग जो है लुटेरे हैं जो कि उस 4 लोगों में से शामिल थे जिन्होंने ट्रक लूट की घटना को अंजाम दिया था। और एक व्यक्ति वो है जिसने जूते को जो है चोरी के लूट के जूते को मार्केट में कुछ तो बेच दिया था इसने और कुछ अभी बेचने की तैयारी में था। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार का है कि जब ये कंटेनर जो कि रांची के लिए जा रहा था गुड़गांव से चला, वहाँ से सामान लूट करने के बाद कोसी जो है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे कोसी एक जगह है, वहाँ पर 4 लोग ट्रक में चढ़े। उस समय उस कंपनी का जो है कुरियर कंपनी का एक एम्प्लॉई भी ट्रक ड्राइवर के साथ में था और 4 लोग वहाँ पे चढ़े। और उसके बाद जब वो एम्प्लॉई मथुरा में उतर गया तो उसके बाद ये चारों लुटेरे टुंडला के पास में आके इन्होंने ड्राइवर का अंगूठे से गला घोंट के उसकी हत्या कर दी और उसकी बॉडी जो है थाना खंडौली क्षेत्र में ला के फेंक दिया। और उसके बाद जो है ट्रक को ले गए जलेसर होते हुए जिला हाथरस में और वहाँ पे जाके अलग अलग जगह पे घुमाते रहे। और उसके बाद इन्होंने एक इको गाड़ी का प्रयोग किया जिसमें एक फरार अभियुक्त सत्यवान है, उसने इसमें से सामान निकाले, 56 कार्टन्स निकाले और उसके बाद उसको ग्राम बरौली थाना मथुरा ले गए और वहाँ पे इन्होंने खपाने की कोशिश की। इसमें जो 2-3 अन्य वांछित अभियुक्त हैं, एक बंटी है जो कि थाना मथुरा का ही रहने वाला है, थाना बलदेव जिला मथुरा का रहने वाला है, और एक सत्यभान है वो भी उसका रिलेटिव है, और एक अन्य लड़का भूरा है। ये 3 वांछित अभियुक्त हैं, बाकी 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और जल्द से जल्द हमारी पुलिस जो है इन 3 लोगों को भी गिरफ्तार कर लेगी। इस गिरफ्तारी और इस घटना के खुलासे में हमारी आदि हो गए थे कि ये रोज़ रोज़ नए नए, जैसे जब इनसे पूछताछ की गई तो रोज लूटे हुए जूते में से रोज रोज नए नए जूते पहनते थे और इन्होंने पूरे घर में जो है लुटेरा बना दिया हो। देखिए, जैसा कि इसमें तफ्तीश की गई है तो मेन अभियुक्त जो है बंटी है, वो अभी फरार है, जल्द उसको भी पकड़ा जाएगा। उसका एक भाई मनोज है, तो ये दोनों भाई और इनका एक और भाई, तीसरा भाई है, बड़ा भाई है जिसकी शादी टुंडला में हो गई है और वो घर से जमीन वमीन भी अपने हिस्से का बेच के वहाँ पर जाके सेटल हो गया। और इन दोनों भाइयों ने भी भोग विलास के चक्कर में और जो है अपनी विलासिता के चक्कर में घर की ज़मीनें और जायदाद बेच रखी थी और इनकी आदतें ऐसी बिगड़ी हुई थी कि इनको हमेशा पैसों की ज़रूरत लगी रहती थी। तो इन पैसों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और अपनी जो है महंगी जीवन शैली को बिताने के लिए इन्होंने ये लूट की घटना का अंजाम दिया और उस निरीह ड्राइवर को, उस बेचारे ड्राइवर को की इन्होंने हत्या कर दी, निर्मम हत्या कर दी और उसकी बॉडी। देखिए, जैसा और पूछताछ में और तफ्तीश में पता चला है कि इन लोगों ने पहले, खास करके बंटी ने जो है पहले भी छोटी मोटी घटनाएं की हैं। रुक जा।